चीन के इस जासूसी गुब्बारे ने अमेरिका की हवा निकाल दी। आखिर चीन का इतना बड़ा जासूसी गुब्बारा अमेरिका के एयर स्पेस में दाखिल कैसे हुआ? आखिर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम चीन के इस गुब्बारे को रोक क्यों नहीं पाए? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर चीन के इस गुब्बारे से सुपर पावर अमेरिका की हवा क्यों टाइट हो गई? दोस्तों, ये कोई आम घटना नहीं है। देखा जाए तो दोस्तों, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। इस वक्त चीन का करीबी रूस का इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है। वहीं कई लोगों का तो मानना यह भी है कि रूस के पीछे चीन भी खड़ा है। ऐसे में चीन से 12,000 किलोमीटर दूर, जमीन से 24 किलोमीटर ऊपर अमेरिकी क्षेत्र में चीनी गुब्बारा क्या करने गया था? चीन का कहना है कि यह मौसम की जानकारी जुटा रहा था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चीन के इस दावे को नकार दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसे गुब्बारे का मकसद मौसम की जानकारी जुटाना या सिर्फ जासूसी करना नहीं है। हो सकता है कि चीन परमाणु हमले के लिए कोई नया तरीका ईजाद कर रहा हो। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट H.I. सटन के मुताबिक ऐसा ही एक गुब्बारा जनवरी 2022 में भारत के ऊपर भी मंडरा चुका है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या चीन इस गुब्बारे में अमेरिका में या भारत पर परमाणु हमला कर सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, चीन के जासूसी गुब्बारे को 28 जनवरी को अमेरिकी एयरपोर्ट जोन में दाखिल होते देखा गया था। इसके बाद वह 3 फरवरी को मोंटाना क्षेत्र में उड़ता दिखा। यह अमेरिका का एक न्यूक्लियर मिसाइल क्षेत्र है। सेना को शक था कि गुब्बारे से चीन जासूसी कर रहा है। इसके बाद से उस पर नजर रखी जाने लगी। इसके बाद शनिवार दोपहर को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैलून को मार गिराने का आदेश दिया, जिसके बाद उस बैलून के ऐसे इलाके में आने का इंतजार किया गया जिससे उसे गिराए जाने पर लोगों को कोई खतरा न हो। फिर कैरोलिना कोस्ट से 6 मील की दूरी पर सभी तरह के एयर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। जब बैलून 60 से 65,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, उस दौरान अमेरिका के F-22 फाइटर जेट ने मिसाइल हमले से चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। हालांकि आपको बता दें कि इतिहास में पहले भी अमेरिका पर गुब्बारे से हमला हो चुका है। जापानी सेना ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गुब्बारे के जरिए अमेरिका में आग लगाने वाले बॉम्ब लॉन्च किए थे। कैप्सूल नुमा ये गुब्बारे कई वर्ग फीट के होते हैं। जैसे चीन का जासूसी गुब्बारा 120 फीट चौड़ा और 130 फीट लंबा था। इन गुब्बारों में हीलियम गैस होने की वजह से ये आमतौर पर जमीन से 37 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से इनका इस्तेमाल मौसम से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए भी किया जाता है। ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता के कारण इनसे जासूसी भी की जाती है। साथ ही यह रडार के पकड़ में भी नहीं आते। अमेरिकी एयरफोर्स की एयर कमांड और स्टाफ कॉलेज की 2009 की एक रिपोर्ट के अनुसार सैटेलाइट के मुकाबले जासूसी गुब्बारे बड़े इलाके को करीब से स्कैन करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही इनसे टारगेट में ज्यादा समय बिताने की क्षमता भी होती है। चीन का यह जासूसी गुब्बारा शुक्रवार को अमेरिका के मोंटाना शहर से 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इस क्षेत्र में एयरफोर्स की मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल की विंग है। इसके अलावा इसने अमेरिका की व्योमिंग न्यूक्लियर मिसाइल साइट और नॉर्थ डकोटा न्यूक्लियर मिसाइल साइट के पास से उड़ान भरी। पेंटागन ने कहा कि जासूसी गुब्बारे का रास्ता उसे मोंटाना के ऊपर ले गया था। इससे डर पैदा हुआ कि यह परमाणु मिसाइल साइटों की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा था। चीन ने शुक्रवार सुबह दावा किया था कि यह एक सिविलियन गुब्बारा है जिसका इस्तेमाल मौसम की जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। लेकिन कई घंटे बाद पेंटागन के ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा कि हम जानते हैं कि यह एक जासूसी गुब्बारा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि चीन ने इस गुब्बारे के जरिए यह संदेश दिया है कि वह अमेरिका के अंदर तक घुसकर जासूसी कर सकता है। राजरत्नम इंटरनेशनल स्टडीज स्कूल सिंगापुर के बेंजामिन हो का कहना है कि चीन यह दिखाना चाहता है कि वह अमेरिका से पीछे नहीं है। इससे चीन में राष्ट्रपति सी जिनपिंग की साख जनता के बीच बढ़ेगी। खतरे का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस गुब्बारे की वजह से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपना चीन का दौरा रद्द कर दिया है। वो रविवार से 2 दिन के लिए चीनी दौरे पर जाने वाले थे। डिफेंस एक्सपर्ट ने दावा किया है कि चीन इस गुब्बारे का इस्तेमाल परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए कर सकता है। अमेरिकन लीडरशिप एंड पॉलिसी फाउंडेशन की 2015 की रिपोर्ट में कहा गया था कि दुश्मन देश द्वारा लॉन्च किए गुब्बारे अमेरिका में परमाणु हथियार गिरा सकते हैं, साथ ही इलेक्ट्रिकल ग्रिड में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के लेखक एयरफोर्स के मेजर डेविड स्टकनबर्ग ने लिखा था कि इस तरह के गुब्बारे को कुछ ही महीने में बनाकर तैयार किया जा सकता है। कई 100 किलोग्राम के हथियार को इतनी ऊंचाई पर ले जाने के बाद उसे कोई रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। यह गुब्बारा कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि डिफेंस एक्सपर्ट जॉन पैराचीनी ने बताया कि जो गुब्बारा अमेरिका के आसमान में मंडरा रहा था वो लगभग 3 बस जितना बड़ा था।
अब सवाल है कि क्या चीन भारत या अमेरिका पर इन गुब्बारों से किसी तरह का हमला कर सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब हमें इतिहास के पन्नों से मिलेगा। 5 मई 1945 की बात है, यानी दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के आत्मसमर्पण करने से 3 दिन पहले की। अमेरिका के ओरेगोन के बियाय शहर में 6 लोगों की मौत हो गई थी। स्थानीय मीडिया की खबरों में कहा गया कि मरने वालों के ऊपर बारूद से भरे बड़े बड़े गुब्बारे गिराए गए थे। दरअसल इन गुब्बारों को जापान ने भेजा था। अमेरिकी नेवी के पुराने दस्तावेजों के मुताबिक गुब्बारे 10 मीटर चौड़े 20 मीटर ऊंचे थे और इनमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी। ये गुब्बारे छोड़ते वक्त जापान ने प्रशांत महासागर के एयर फ्लो यानी वायु प्रवाह का लाभ उठाया था। उन्हें पता था कि हवा इन्हें सीधा अमेरिका तक बहा ले जाएगी। ये गुब्बारे बेहद हल्के कागज से बने थे जिन पर सेंसर वाले बम लगे थे। इनके ट्यूब में बारूद भरा हुआ था, साथ में एक एक्टिवेशन डिवाइस भी लगाई गई थी। ये गुब्बारे 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम थे और एक बार में 7500 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते थे। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट H.I. सटन ने दावा किया है कि जनवरी 2022 में चीन के जासूसी गुब्बारे ने भारत के सैन्य बेस की भी जासूसी की थी। इस दौरान चीन के जासूसी गुब्बारों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के ऊपर उड़ान भरी थी। उस दौरान सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी वायरल हुई थी। उस वक्त भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया था। यह खुलासा भी नहीं हो सका था कि यह गुब्बारा किसका था। हालांकि तब भी चीन पर ही शक जताया गया था। दोस्तों आजकल की तकनीक एडवांस होती जा रही है, ऐसे में इन गुब्बारों का इस्तेमाल बम गिराने के लिए भी किया जा सकता है। इन गुब्बारों में रखे सेंसर यह बता देंगे कि यह गुब्बारा अभी कहाँ है और जैसे ही गुब्बारा टारगेट के ऊपर जाएगा इससे हमला किया जा सकता है। चीन का कुछ कहा नहीं जा सकता। अधिक ऊंचाई पर उड़ने के कारण इन्हें रडार से पकड़ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चीन या दुश्मन देश इसका फायदा उठा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चीन के इस चाल से सतर्क होने की जरूरत है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।